कैसे हैं, आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से हैं। सो गाइस, इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहना, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ अभी सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है। तो गाइस, ये देख सकते हैं, इसमें आलू सोयाबीन बड़ी के भुना भुना एकदम सब्जी बनाई हूँ। ये प्याज और अचार है, इसमें भी प्याज है, भर गया था तो इसमें और रखती। और ये है आम अचार और सूखी मिर्च लहसुन की चटनी। और ये है ढेर सारा रोटी, देख सकते हैं। तो ये सारे पैकिंग करके हम कहीं जाने वाले हैं, तो पैकिंग कर रही हूँ मैं इसको। तो मैंने सोची कि आज शुरू से ही ब्लॉग्स बना लूँ। सुबह में जब उठी मैंने सारे खाना वाना बनाई, फिर बर्तन भी देख सकते हैं धो धा के रखी है। अभी घर ऐसे फैला हुआ है, बच्चे भी तैयार हो गए हैं और ये काम, और बेटी नहा के देखो कैसे पड़ी है। अभी ये सब संभालना है, फिर शाम तक रात तक आएंगे तो अभी बहुत सारे काम है, ये हम कपड़े नहीं गया था। तो चलिए, हमारे ब्लॉग्स में आप लोग बने रहे और मैं तैयार होकर फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हो चुके हैं, आप निकल रहे हैं, आप लोग ब्लॉग्स में बने रहना। और आप लोग ब्लॉग्स में बने रहेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये ब्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को देखते हुए, आप लोग इन इंजॉयमेंट करते रहेंगे। और चलिए देखिए, मैं अभी सब तैयार हो गए, चूड़ा पहन के देखिए, ये पहन बस इतना ही इतनी पहन के जाऊँगी। तो चलिए बने रहे, फिर हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, मैं आप लोगों से देखूँगी, नहीं तो वहाँ पहुँच जाऊँगी तो दिखाऊँगी। ये है गाइस भीमताल के ताल, और उधर बहुत लंबे चौड़े हैं, हमने गाड़ी रोक के यहाँ पे फिर यहाँ के व्यू में आप लोगों से दिखा रही हूँ। क्या देखिए जो होटल है जूम करने पर, आप देख सकते हैं सब कितनी बढ़िया दिख रही है। यहाँ पे ये सफाई कर, ये तो ऊँचे जब गिर जाए नीचे तो कैसे होगा। देख ऊपर का बहुत सारे मकान हैं यहाँ पे, और घुमाते हुए मैं आप लोगों से दिखाती हूँ। जो ये सामने आ रहे हैं वो देवर है, और गाड़ी आ रही है, ये रोड है, इधर का व्यू देखिए। चलिए, हमारे ब्लॉग्स में आप लोग बने रहना, और ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो हाँ पार्ट वन पार्ट टू करके डाल दूँगी फिर। ये है पहाड़ों पर के घर, और ये पुल पे हम आए हुए हैं। शाम को वापस हो जाते हैं, देखिए ऐसे नज़ारे मिल जाते देखने पे। पहाड़ों पर के घर ऐसा है, देख सकते हैं, इसके अंदर जूम करके मैं पास करके दिखा रही हूँ। तो घंटे के लिए हुई है, देख। और ये है सब शाम तक देखे, नजारे देख, चीड़ के पेड़ कितने लंबे लंबे, कितने बड़े बड़े हैं। तुम नज़ारे ही दिखाते रहो। और ये है गाड़ी, मौसम यहाँ क्या इतनी बढ़िया, एकदम ठंडा ठंडा, आप लोग देख ही सकते हैं, इसमें वीडियो में आप लोगों को दिखाई देता होगा, एकदम ठंडा। और ऐसे लग रही है बादल सी, जैसे जाड़ों के मौसम में कुहासा तो नहीं होता है, कोहरा ऐसा दिख रही है, एकदम एकदम ठंडा लग रही है इधर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रही है।
सो गाइस मैं बता ही दूँ, मैं मुक्तेश्वर जा रहे हैं। पहले हमने सेब के बगीचे लिए थे, वहाँ पे सेब के बगीचे लेने के लिए ही जा रहे हैं देखने के लिए। तो मैं आप लोगों के सेब वहाँ पे सब दिखाऊंगी, सेब के बगीचे भी दिखाऊंगी, कौन सी बगीचा हमें लेना है वो वाला भी मैं आप लोगों से दिखाऊंगी। तो इसलिए हम जा रहे हैं सब, और आप लोग भी हमारे ब्लॉग्स में बने रहे। आप चलिए सेब के बगीचे देखने, बेटी बाय करो। ओए हाय, ये वाला सतनुमा को नीचे वाला भैया, ठीक है। ये यहाँ के व्यू पहाड़ पे, हल्की सी दुकान लगी। ये ऊपर निकल के रोड है, सामने जो पहाड़ आ रही है ये स्टेप बाय स्टेप की है, देख सकते हैं। स्टेप बना हुआ है इसके जीने के जैसा। यहाँ के पहाड़ देखिए सतमुंगा के, कितने घर दिखाई दे रहे, कितनी खूबसूरत पहाड़ है। हमने रास्ता भूल गए, वहाँ पे रास्ता पता कर रहे हैं। और यहाँ की भीड़ देखिए कितने खूबसूरत, एकदम कोहरा है यहाँ पे। मिलने जुदाई है, हल्द्वानी घर चले अब तुम गाना भी गा रहे हो इसी में, तो ये भी आ गया, ये सो के जा रहे हैं। है सेब के बगीचे में ऊपर जा रहे हैं, ऊपर चढ़ते चढ़ते यहीं से शुरुआत हो गया है बगीचा, देख सकते हैं। ये सेब के बगीचे है, सेब फला हुआ है मगर कच्चा कच्चा है अभी, देखो। पहले जा रहे हैं खाना खाएंगे, भूख लगा है, उसके बाद में फिर सेब अब दिखाएंगे आप लोगों को। खाना खाने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे चादर बिछाए हुए हैं, सब बैठ गए खाने के लिए। ये सब सेब के बगीचे हैं, ये है सताड़ू, सब सेब के बगीचे, सब छोटा छोटा है, सब खाना खा के ऊपर गए, बहुत ही ऊपर जाके एक घर है। इस पेड़ में इतने फैला हुआ है मगर छोटा छोटा है तो नहीं दिख रही, बहुत ही बड़ा बगीचा है, 1600 पेड़ है इसमें, देख सकते हैं कितने फैला हुआ है अभी छोटे छोटे है। डर लगेगा मुझे, जंगल है ना इसमें, डर लगेगा। देख सकते हैं कितने सेब छोटे छोटे पड़ा हुए, चलो ना आगे बढ़ो। अभी ये छोटा छोटा है और हरा है, ये वाला ही बगीचा हम ले रखे थे, तो इसमें उस टाइम में आए थे तो बड़ा था, उस टाइम में मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और ये देख इधर, ये सूरज इस साइड से दिख रहा, बहुत बड़ी बगीचा है, मैं कहाँ घुमा के दिखा पाऊँगी, इतना ही दिखाऊँगी बस। अब कि पहले से बहुत काफ़ी फल है, और डर लग रहा है इसमें सांप। देखिए आप लोगों के सेब मैं कितनी दिखा रही हूँ, कितने बड़ा बगीचा है ये, अभी सारे मैं घूम भी नहीं पाऊँगी, जितना बड़ा बगीचा है ये। अरे ये हरा हरा सेब है क्या, ये एकदम से हरा हरा है, हैं? जूम करके दिखाओ,
देखिए गाइस कितना इस पर सेब फला हुआ है, एकदम हरा हरा है, पता ना कौन सा सेब है। अभी ये तो लाल होगा मगर ये छोटा छोटा है, अभी बड़ा नहीं हुआ है। देखिए अंधेरा क्या, मोबाइल डाउन है, होने वाला है यार, मोबाइल डाउन हो गया, मोबाइल डाउन हो गया। ये हरा हरा कितना फला हुआ है गाइस, इतनी ज्यादा फला हुआ है, सेब देख देख के दिल खुश हो जा रहा है कतई। देख सकते हैं ये सब, और ये मेरे पास में है, मैं वीडियो में भी पास से ले रही हूँ, कितनी बढ़िया लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है सामने के कैमरे। पीछे देख सकते हैं कितने झाड़ी झंखाड़ी सब है, लोग देखिए मैं कितनी अच्छा कितनी बढ़िया व्यू दिखाने वाली हूँ, और कितने अच्छे जगह हम हैं, और आप लोगों को देखने में पता चल ही जाता होगा कैसा है ये सब। यहाँ पे ये सारे जंगल के अंदर बगीचे के अंदर एक ही ये दो कमरे के घर है, इसी में ये जो रखवाली करते हैं वो रहते हैं यहाँ पे। आओ उन्हें दिखाने के, ये खाने के आओ, बहुत बढ़िया चीज है, मीठी मीठा फल है ये। किस जगह पे आए हो, जगह का नाम बताओ। सतमुंगा, सतमुंगा आए हुए हैं, पहाड़ से पहाड़ पे हैं, गति ऊपर चोटी के पास में ही है, गति ऊपर गति है। क्या लेने आए हो? सेब का बगीचा लेने आए। तो पूरा डिटेल बताओ ना अच्छे तरीके से। सेब का बगीचा लेने आए, आलू भी उसमें। गाइस ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर मिलेंगे कोई नई नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इनके फोटो मैं लगा रही हूँ, इनको देख के ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर करना।